हाय एवरीवन, आज की हमारी रेसिपी है एक रॉयल पुलाव। बहुत ही बढ़िया ड्राई फ्रूट्स वाला सिंपल सा पुलाव है ये, बिना अनियन एंड गार्लिक, बिना प्याज और लहसुन का। तो देखते हैं आज की रेसिपी। अगर आपको पसंद आती है तो इसको लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। रॉयल पुलाव बनाने के लिए ये हमने एक कप चावल लिए हैं, जिनको हमने अच्छे से धोकर 15 मिनट भिगो लिया है और उसके बाद इसका पानी निकाल दिया है। फिर हमने लिया है करीब 2 से 3 टेबलस्पून मटर, थोड़ी सी गाजर ऐसे लंबी लंबी कटी हुई, साथ ही में थोड़ा सा पनीर ऐसे स्क्वायर कटा हुआ, छोटा छोटा काट लीजिए आप पनीर को। और इसके साथ ही कुछ ड्राई फ्रूट्स, जिसमें मैंने लिया है बादाम, काजू, किशमिश और मखाने। बादाम को ऐसे लंबा लंबा हमने काट लिया है, काजू को भी लंबा लंबा, किशमिश साबित ली है और मखानों को भी हमने आधा या 1/4 आप चॉप कर दीजिए इस टाइप से। ये सारे हमें ड्राई फ्रूट्स लेने हैं इसके लिए। अब हमने पैन में 1 टेबलस्पून देसी घी डाला है, इसमें हम ड्राई फ्रूट्स को सॉटे करेंगे। तेल को, घी को आप गर्म हो जाने दीजिए, उसके बाद आप जितने भी सारे ड्राई फ्रूट्स हैं इसमें डाल दीजिए और इसको सिम पर हमें थोड़ा सा सॉटे करना है, जब तक इसमें गोल्डन सा कलर नहीं आ जाता। तो 3 से 4 मिनट लगेंगे, आप इसको सिम से अच्छे से सॉटे कर लीजिए। जब इसमें कलर आ जाएगा उसके बाद हम इनको निकालेंगे। तो आप देख सकते हैं हल्का हल्का कलर आ गया है ड्राई फ्रूट्स में। बहुत ज़्यादा इनको डार्क नहीं करना है हमें, हल्का हल्का सुनहरा होने तक आप इसको निकाल लीजिए। उसके बाद अब उसी कढ़ाई में, और ऑयल नहीं डालना है हमें, उसी में आप पनीर के जो कटे हुए पीसेस हैं उनको डालकर मीडियम फ्लेम पर सॉटे कर लीजिए, जब तक पनीर में भी थोड़ा सा कलर नहीं आ जाता। फटाफट ही 2 मिनट में आप देखेंगे पनीर में हल्का सा कलर आने लगेगा। इस टाइप का जब कलर आ जाएगा तब आप गैस बंद करके पनीर को भी निकाल लीजिए। अब कुकर में हमने 1 टेबलस्पून देसी घी लिया है। अब साथ में मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून जीरा, थोड़ी सी लौंग, दो तीन काली मिर्च और 1 तेज पत्ता। आप चाहें तो बड़ी इलायची भी डाल सकते हैं। इनको डालकर आप हल्का सा चला लीजिए, जब तक कि खड़ा मसाला थोड़ा सा भुन नहीं जाता। इसको भुनने के बाद हम सबसे पहले डाल रहे हैं कटी हुई गाजर। अगर आपको प्याज डालनी है तो गाजर से पहले आप प्याज भी डाल सकते हैं। यहाँ मैं बिना प्याज का बना रही हूँ। गाजर के बाद हमने डाल दिया है मटर। अब इन दोनों को हम 2 से 3 मिनट सॉटे करेंगे। बाकी चीज़ तो हमने थोड़ी सी सॉटे पहले ही कर ली है, गाजर और मटर को इस समय पर आप सॉटे कर लीजिए। 2 से 3 मिनट सॉटे करने के बाद हम इसमें डाल देंगे पनीर और इसके साथ ही में हम डाल देंगे जो हमारे ड्राई फ्रूट्स हमने सॉटे करके रखे थे। सारी चीज़ों को एक साथ आप डाल दीजिए और इनको हम मिक्स करके 1 मिनट चला लेंगे। बहुत ही बढ़िया सा पुलाव बनता है ये, बिना प्याज लहसुन का। अब जो भीगे हुए चावल थे 15 मिनट हमने भिगो के रखा था, उसका पानी निकाल कर हम इसमें डाल देंगे और बहुत ही हल्के हाथों से इसको हम मिक्स कर देंगे। ज़्यादा नहीं चलाना है, नहीं चावल टूटने का डर रहता है, हल्के हाथ से आप सारी चीज़ों को मिक्स कर दीजिए। मिक्स करने के बाद हम डालेंगे थोड़े से मसाले। यहाँ मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून नमक, उसके साथ ही मैं डालूँगी थोड़ा सा 1 पिंच गरम मसाला और डाल रहे हैं हम थोड़ी सी चिली फ्लेक्स। यहाँ 1/4 टीस्पून चिली फ्लेक्स लिए हैं, आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। और ज़्यादा तीखा चाहिए तो आप इस समय पे स्लिट करी हुई हरी मिर्ची भी डाल सकते हैं। तो इसको आप हल्का सा चला लीजिए। अब हम इसमें डालेंगे पानी। तो जितना चावल लिया था उतना ही पानी हमने डाला है, 1 कटोरी पानी, और इसके साथ 2 टेबलस्पून पानी और मैं डाल रही हूँ। तो हमने टोटल पानी 1 कटोरी और 2 टेबलस्पून पानी, और इसको करके चला के हल्का सा हम कुकर का लिड लगा देंगे और इसमें 2 विसल आने तक हम इसको होने देंगे। तो अब मैं कुकर का ढक्कन लगा देती हूँ और हम वेट करेंगे 2 विसल का। जैसे ही 2 विसल आएंगी उसको हम बंद कर देंगे और उसके बाद अपने आप ही उसका प्रेशर निकलने देंगे। थोड़ी देर बाद जब हम खोलेंगे उसको तो आप देखेंगे कितना बढ़िया सा आपका बिना प्याज का रॉयल सा पुलाव एकदम तैयार है, ड्राई फ्रूट्स वाला। देख सकते हैं आप, एक एक दाना इसका खिला हुआ है, जितना पानी मैंने बताया उतना ही डालिए। तो तैयार है हमारा बिना प्याज लहसुन का रॉयल सा पुलाव। कोफ्ते के साथ खाइए, पनीर के साथ खाइए, जिसके साथ भी आपका मन हो इसको बनाइए और खाइए टेस्टी सा रॉयल पुलाव।